अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक कथित बाबा के आश्रम पर देर रात दिल्ली महिला आयोग साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम ने कोर्ट के निर्देश पर छापा मारा। छापेमारी के बाद पुलिस ने बाबा की एक अनुयायी महिला साथी चौकीदार को हिरासत में लिया। पुलिस ने आश्रम से सामान को भी जब्त किया है। आरोपी बाबा का नाम वीरेंद्र देव दीक्षित बताया गया, जो तलाशी के दौरान आश्रम से नहीं मिल पाया है। इसी के साथ आपको बता दें कि यह आश्रम दिल्ली के रोहिणी के विजय विहार में है। दरअसल राजस्थान के एक परिवार और एक समाज सेविका ने बाबा पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कोर्ट के आदेश के बाद देर रात करीब 4 घंटे छापे चले। इस आश्रम में काफी समय अनुयायी बनकर रह चुकी एक दूसरी पीड़ित ने बताया कि बाबा खुद को ईश्वर बताता है, अपना सब कुछ यानी तन मन धन सब कुछ समर्पित करने की बात कहता है। इस पीड़ित ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आश्रम के आसपास के लोगों के मुताबिक यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं आती रही हैं। को पुलिस के साथ छोड़ो, अपने आप को शिव शक्ति बता रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप? और फिलहाल इस तरह इस तरीके से क्या नाम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है, क्या नाम है आपका? किसी से विश्वास नहीं करते मैं अभी। भाई देखो, को पुलिस के साथ छोड़ो, अपने आप को शिव शक्ति बता रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप? और फिलहाल इस तरह क्या नाम निकाले? नहीं नहीं गल आप उनके, हाँ आप, हम लोग अंदर रहते हैं, हम लोग माताएं हैं, हम लोग जो देख रहे सच्चाई को वो आपको बता रहे हैं। आप विश्वास बाहर, अरे बाबा तो कितना सुंदर ज्ञान देना है। पुलिस आज क्या कह ले गई है? हाँ नहीं नहीं सामान मैंने देखा, हमारा ज्ञान का भंडार पैक किया हुआ था। वो कैसेट होगा, अंदर लिटरेचर होगा, ज्ञानामृत है, ज्ञान का भंडार है, इसलिए बहने ने हमला किया। बाबा के खिलाफ बहुत मुकदमे दर्ज है। नहीं नहीं वो ये झूठे झूठे, वो सच्चाई आएगी। क्या क्या मिला था? प्रोसीडिंग चल रही है जी। हम लोग अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने भी जी। कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां माइनर मिली है, ये रिपोर्ट हम लोग हाईकोर्ट के सामने पेश करेंगे जी। मुकेश रैना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये तो कुछ वैसा ही मामला लग रहा है जैसे सिरसा के डेरे में सामने आया था। बाबा है जिसका नाम कि वीरेंद्र देव दीक्षित बताया जा रहा है कि ये दिल्ली का राम रहीम, अगर इसको कहें तो कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है 1.5 महीने पहले ये पूरा मामला शुरू हुआ था। हालांकि इससे कई साल पहले भी यूपी के अंदर एक मामला फरुखाबाद में दर्ज हुआ था जिसमें बाबा को हिरासत में भी लिया गया था। और लेकिन 1.5 महीने पहले जो है राजस्थान के पिलानी से एक लड़की जो है यहाँ आश्रम में आती है और जो उसके भाई है, वो जो लड़की का जो भाई है वो सरकारी अफसर है, उसने जो है कवायद शुरू की। उसके बाद एक एनजीओ से जुड़े और फिर लगातार इस जो है 1 से 1.5 महीने की जो मेहनत उनकी रंग लाई और जितने भी पीड़ित थे जो इस बाबा के जो पीड़ित हैं उनको उन्होंने इकट्ठा किया। और कल जो है बीते कल दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल की जिसके बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए देर नहीं की और बिल्कुल जो है पुलिस को जो है आदेश दिया कि सर्च करे और उस आश्रम के अंदर कि आखिर ऐसा क्या है किस जो इतने पीड़ित इस पूरे मामले के अंदर आ रहे हैं जी। बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कुछ वहाँ से बरामद भी किया गया है, क्या वो सामान है, क्या कुछ वहाँ पर मिला जी? देखिए चूंकि ये जो है जो हाईकोर्ट के आदेश का मामला है तो पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है और पुलिस ने अभी तक जो स्थिति वो साफ नहीं की है और कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया था। हालांकि जो सूत्र है उनके अनुसार ये बताया गया है कि क्योंकि एक पीड़िता रेड टीम के साथ अंदर गई थी, उसने बताया कि वहां से बहुत सारी दवाइयां जो कि मेडिसिन और इंजेक्शन जो है वो बरामद किए गए हैं, वो पुलिस ने सीज किए। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ कागजात वहां से लिए और भी दूसरी चीजें थी जो पुलिस ने जब्त किए जी। बेहद शुक्रिया मुकेश जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में बाबा के इस आश्रम में छापा मारा गया है, इसी के साथ उसे हिरासत में भी लिया गया। यूपी में